नमस्कार रूपा किचन में आपका स्वागत है। आज मैं बनाऊंगी चायोटी स्क्वैश की सब्जी। ये सब्जी रोटी और चावल के साथ खाने में बहुत ही अच्छा लगता है और इसे बनाना भी आसान है। अगर मेरी आज की रेसिपी आपको अच्छी लगे तो मेरे वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तो आइए देख लेते हैं चायोटी स्क्वैश की सब्जी बनाने के लिए हमें क्या क्या चाहिए। ये सब्जी बनाने के लिए मैंने यहाँ पर 500 ग्राम चायोटी स्क्वैश लिया है और इसको ऐसे छोटे टुकड़ों में काट के रखा है। एक बड़ा साइज प्याज का पेस्ट, 4 से 5 बड़ी चम्मच रिफाइंड ऑयल, आधी छोटी चम्मच गरम मसाला पाउडर, यहाँ पे 2 मीडियम साइज़ के आलू को ऐसे टुकड़ों में काट के रखा है, कटा हुआ 1 मीडियम साइज़ का टमाटर, 1 बड़ी चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट, थोड़ा सा कटा हुआ धनिया पत्ता, 1 तेज़पत्ता, 1 छोटी चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1 छोटी चम्मच जीरा पाउडर, आधी छोटी चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, ये ऑप्शनल है, 1 छोटी चम्मच हल्दी पाउडर, नमक स्वाद अनुसार, 1/4 छोटी चम्मच शक्कर और हमें चाहिए पानी। सबसे पहले हम गैस ऑन करके पैन को अच्छे से गर्म होने देंगे। पैन गर्म हो जाने के बाद हम इसमें डालेंगे तेल और तेल को भी अच्छे से गर्म होने देंगे। तेल गर्म हो जाने के बाद हम गैस का फ्लेम मीडियम कर देंगे और तेल में डालेंगे कटा हुआ आलू। इसके साथ ही हम इसमें डालेंगे थोड़ी सी हल्दी पाउडर और थोड़ी सी नमक। अभी जब तक ये आलू ब्राउन नहीं हो जाता है तब तक हम इसे मीडियम फ्लेम में फ्राई होने देंगे। ये देखिए आलू ब्राउन हो चुका है, तो अभी हम इसे तेल से निकाल लेंगे। फिर हम तेल में डालेंगे प्याज का पेस्ट। अभी जब तक ये प्याज लाइट ब्राउन नहीं हो जाता है तब तक हम इसे मीडियम फ्लेम में लगातार चलाते रहेंगे। जैसे ही प्याज लाइट ब्राउन हो जाएगा हम इसमें डालेंगे तेजपत्ता और अदरक लहसुन का पेस्ट। अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करने के बाद लो मीडियम फ्लेम में हम इसे 1 मिनट तक लगातार चलाते रहेंगे। फिर हम इसमें डालेंगे शक्कर, नमक, लाल मिर्च पाउडर, जीरा पाउडर, हल्दी पाउडर और कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर। अभी सब कुछ अच्छे से मिक्स कर देंगे और जब तक ये मसाला अच्छे से पक नहीं जाता है तब तक हम इसे लगातार चलाते रहेंगे। ये देखिए मसाला अच्छे से फ्राई हो चुका है। अभी हम इसमें डालेंगे कटा हुआ टमाटर। टमाटर ऐड करने के बाद 1 मिनट तक हम इसे लगातार चलाते रहेंगे और गैस का फ्लेम लो कर देंगे। 1 मिनट हो चुका है, अभी हम इसमें डालेंगे कटा हुआ चायोटी स्क्वैश। अभी लगातार चलाते हुए 3 से 4 मिनट तक चायोटी स्क्वैश को हम मसाले के साथ पकाएंगे। 4 मिनट हो चुका है, अभी हम इसमें डालेंगे फ्राई किया हुआ आलू। आलू ऐड करने के बाद इसे हम अच्छे से मिक्स कर देंगे और 2 मिनट तक इसे और पकाएंगे। 2 मिनट हो चुका है, अभी हम इसमें डालेंगे पानी। यहाँ पे मैंने 1.5 ग्लास पानी ऐड किया है। अगर आपने स्क्वैश को पहले से ही उबाल के रखा है तो ज़्यादा पानी ऐड करने की ज़रूरत नहीं है, पर यह चायोटी स्क्वैश पकने में थोड़ा टाइम लगता है इसलिए मैंने यहाँ पर पानी भी थोड़ा ज़्यादा ऐड किया है। अभी हम गैस का फ्लेम हाई कर देंगे और इसे उबालने देंगे। जैसे ही इसमें उबाल आएगा हम गैस का फ्लेम लो मीडियम कर देंगे और पैन को ढककर जब तक ये चायोटी स्क्वैश अच्छे से पक नहीं जाता है तब तक पकाएंगे। एक बार चेक कर लेती हूँ स्क्वैश अच्छे से पका है कि नहीं। स्क्वैश अच्छे से पक चुका है और हमारा सब्जी भी तैयार है। अभी हम गैस का फ्लेम ऑफ कर देंगे और इसमें डालेंगे गरम मसाला पाउडर और कटा हुआ धनिया पत्ता। सब कुछ अच्छे से एक बार मिक्स कर देंगे। इसे मैंने अच्छे से मिक्स कर दिया है। अभी हम पैन को ढककर 3 से 4 मिनट के लिए रख देंगे। 4 मिनट हो चुका है, अभी हम सब्जी को सर्व करने के लिए एक बोल में निकाल लेंगे। चायोटी स्क्वैश की सब्जी सर्व करने के लिए तैयार है। आप भी ये रेसिपी घर पे बनाइए और अपना एक्सपीरियंस मेरे साथ शेयर कीजिए और मेरे सारे वीडियोस के नोटिफिकेशन पाने के लिए वीडियो के नीचे बेल आइकन पर क्लिक कीजिए।